बेसहारा लाचार बुजुर्ग औरत जो दर दर दियां ठोकरां खाण लई मजबूर है। इस औरत दे चार मुंडे सन जो कि चारों एक एक करके मर गए अते इह बुजुर्ग औरत अपनी नूह कोल रहिंदी सी पर इस दी नूह ने इस नूं धक्के मार के घरों बाहर कढ दित्ता अते जदों इह औरत एक मंदिर दे बाहर जा खड़ोती तां एक राज नाम दी औरत इस बुजुर्ग नूं अपने घर लै आई अते इस बुजुर्ग औरत दी सेवा कीती। पर किते ना किते सेवा करन वाली औरत भी हुण चाहुंदी है कि कोई मदद लई अगे आवे अते इस औरत नूं किसे आश्रम विच भेज दिता जावे क्योंकि उसका कहना है कि उसकी अपनी उम्र भी बहुत हो गई है पर फिर भी जितों तक होया मैं इस बुजुर्ग की सेवा की पर कोई मदद लई अगे आवे ता जो इस बुजुर्ग औरत की किसी आश्रम विच सेवा हो सके। बुजुर्ग औरत दी अखां चो निकले हंजुआ का दर्द जरा तुसी भी देखो। मेनू तो बहुत अच्छा लगता है। एक मैं शरीर तो पुत दुखी है भी मरीज शुगर वध जांदी है मेरे को अपना नहीं हुंदा। मैं देखदी भी किसी वेले बेचारी देखदी भी मैनू ले जावे बाथरूम चे तां नवावे। मैं कहनी भी जे मेरे को हुण नहीं हुंदा भी मैं कहनी भी या तां इहनूं आश्रम चे भेजा जावे या इहदी धीए नूं लै जावे। ये कहिंदी भी मेरी धी दिन दुनिया तक रहे तो तू मेरी धर्म दी धी। चलो मैं तो धर्म करके भी इहदा नवाया भी चलो सेवा इह कल नूं मेरे ते भी बुढ़ापा आना। चारे मुंडे तो मर गए बेचारी दे बंदा इहदे सिर ते नहीं हैगा। कुड़ी दे ब्याह कीता उहदा घरवाला मर गया दियोर दे बिठाती वह भी मर गया। गांव ने होर कीता वह मर गया। हुण दियो ननान भरजाई दी बनदी है वह कहिंदे भी ये कंडा क्यों रखी असी विच। इस गलों इन्हू घरों कढ दिता रोटी नहीं टाइम सिर दिंदियां जिन्हू हर चीज मिलूगी वह घरों क्यों जाऊगा। बस वही 2200 रुपया बेचारे पेंशन मिलती। देखो दवाई दारू वास्ते रखना चाहिए इनू ये को मंगते 1000 रुपया किराया दे सानू राशन पवा के दे ये बेचारी कितों करे दसो। कुछ नहीं हैगी बेचारी जी कुछ नहीं हैगा तो स्कूल च बस बेचारी काम करती सी गोरमेंट कॉलेज से काम करती सी ये पेंशन भी इन्हें उत्थे ही मिलती है हजे तक। बांह टुटी हुई है की पता किदा टुटी नूह ने तोड़ी या कुड़ी ने तोड़ी है तो हम मालक नूं पता आपां नूं कुछ नहीं पता। मेरे को तो आई है रात नूं सौंदी नहीं बेचारी दर्द ना तड़फदी है। मैं कहनी भी इहदा कुछ होना चाहिए जद धी जम्मी नहीं बनी इहदी ढिड दी या नौ नहीं बनी पोते पोती नहीं बने सरकार नूं चाहिदा इहदा कोई हिला वसीला करे बेचारी दा। कोई आश्रम च छड़ दो जिथे इहदी केयर हो जावे बेचारी दी। बाकी जदों मालक दी आणी उदे ही इहने जाणा हुण धक्के ना तां इहनूं मारन तुरे। मैं उहदी नौ नूं सुनेहा भेजिआ सी उह कहिंदी सी कल नूं आऊंगी अज आंदी पई है। कोई रिश्तेदारी नहीं मैं तां धर्म नाते दी सेवा कर रही हां इंसानियत प्रति। ये सारी बात सीधा कह रही है नौकरी नौकरी के पीछे हो ये सारी बात कह रही है। ऐसा नौकरी क्यों दे दी भाई दिन भी बिना बुला ली घर से वो हाँ नुका इससे तने इससे पैसे क्यों दे इतना तनख्वाह क्यों दे फलाना क्यों करे बहू न कहना मेरे ने घर से किसने निकाला गिर भी बिना काम सफाई देखी अगली की कमला की उसने बुला ली। घरों की ने कड्डिया तेनू किराना मैं सरोज बोलो बोली सीता बोले तुम न्यारा खाओ। अच्छा उसने सरोज ने बोली न्यारा करके खाओ और भाई तेने भाई भी कहते पूरी क्यों नहीं रख दी ले जाना चली जाऊंगी कोई नहीं बर्तन मांज लूंगी जूठे जूठिया साफ कर लूंगे रोटी खा लूंगे ना मेरा बेटी कौन है
मेरी बेटी को नहीं, मेरी मर गई बेटी, मेरे चारा इतने बेटे गए, इतने बेटी भी मर गई, बड़ी जवानी में आदमी मरा था, नौ माह से धक्के मारे, तीन महीने हो गए मेरे को बैठी, फिर तेन रोटी ना रोटी सब्जी ना सब्जी, दवाई दारू तेन करानी ना मैं, फिर पानी पी आई नहीं दिन, मैं कहनी जो मुंडे की नौकरी हैगी दो रोटी नहीं दे सकते, चार मुंडे सीगे, चारे चारे मर गए, घर वाला पहले ही मर गया सी, तेरा कैमरा मैन है चक लैंदा मेरे चकन नहीं, मेरे दिलों कुछ बंद कर दिया तू, चक्कर ਸਰੂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ ਬੜਾ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਮਾਂ ਨਾ ਜਰਮ ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇਖੀ ਦਾ ਸੋਚੀ ਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਆਹੋ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਬਗਾ ਦੇਣੇ, क्या है? मेरा नाम माधे। अरे क्या काम करती थी तू? की काम करती सी उत्थे? हैं? उत्थे की? ए बाह किधर टूटी थी? कहते बाह किधर टूटी सी? बाह ने जब कितने साल हो गए टूटी ना? किधर टूटी सी? या मैं मेरी दुरानी बोली, आप चले चली सीता माँ बड़ी अबोल मेरे भाई उसका नंबर डाल के ककर रखा, मगा अच्छा ओ मैं गई। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਓਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3-1 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।